जय श्री महाकाल। दोस्तों, एक शिक्षिका के साथ बिना कपड़ों के कुछ लोग डांस किया करता था और उस शिक्षिका के साथ कुछ ऐसा ऐसा हरकत करता था कि कहीं ना कहीं आपको इस कहानी को सुनने के बाद इतना बुरा लगेगा ना कि आप भी कहोगे कि यार दुनिया में ऐसा ऐसा भी काम होता है। तो चलो यार आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने टीवी स्क्रीन पर या फिर अपने फोन के स्क्रीन पर जो चीज देखते हैं बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, मैं झुकेगा नहीं, ये वाला जो डायलॉग था ये एकदम पूरा वायरल हो चुका था और कुछ लोग इस तरह का काम भी करते थे। अब आपको बता दूं कि एक शिक्षिका थी जो कि इंदौर की थी और एक बिल्डर था जो कि इंदौर का ही था। उस बिल्डर ने अपना एक फार्म हाउस बना रखा था और उस फार्म हाउस पर जा करके लोगों के साथ कुछ ऐसा ऐसा काम करता था जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये आदमी कितना कमीना था। दोस्तों आपको बता दूं कि एक बिल्डर था जिसका नाम था राजेश। उसने एक शिक्षिका का किडनैप करा और किडनैप करने के बाद वो अपने फार्म हाउस में लाया और वो अपने फार्म हाउस में एक बड़ा सा टीवी लगाया हुआ था। उस टीवी पर वो अक्सर वो वाला वीडियो देखता था। आप भी समझ सकते हो कि कौन वाला वीडियो। तो वो वाला वीडियो देखता था और उस वीडियो में जैसा जैसा चीज़ किया हुआ रहता था, जिस जिस तरीके से किया हुआ रहता था, वो भी उस शिक्षिका के साथ बिल्कुल वैसा ही हरकत करता था। और वो अक्सर विदेशी लोगों का डांस देखता था जिसमें विदेशी लोग बिना कपड़ों के डांस किया करता था और ये भी अपने दोस्तों को बुलाता और उस शिक्षिका के साथ ये भी अपने दोस्तों के साथ बिना कपड़ों का डांस करता और उस शिक्षिका को कहता कि तुम भी डांस करो, यदि डांस नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कि एक पीड़िता के साथ होता है। आपको बता दूं कि वो जो बिल्डर था वो बिल्डर अपने दोस्तों के साथ मिल करके उस शिक्षिका के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और इस तरीके से उसने उस शिक्षिका का खूब शोषण भी करा। आपको बता दूं कि उस बिल्डर का जो नौकर था, जब वो बिल्डर कभी कभी अनुपस्थित रहता था तो उसका नौकर भी उस शिक्षिका के साथ गलत गलत काम करता था। और आपको बता दूं कि अंततः एक दिन ऐसा होता है कि उस शिक्षिका को मौका मिलता है और वो शिक्षिका वहाँ से किसी तरह से भाग निकलती है और जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करती है, FIR लिखवाती है और उसके बाद फिर उन दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल आपको बता दूं कि आज के समय में ना बहुत लोग हैं जो कि फ़ोन में जो देखते हैं, टीवी पर जो देखते हैं या फिर आसपास में जो खबर सुनते हैं तो वो भी बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर देता है। वैसे आपको बता दूं कि समाज में दिन ब दिन दरिंदों का संख्या बढ़ता ही जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सतर्क रहना होगा और खास करके मैं महिलाओं को कहूँगा कि आप लोग हमेशा सतर्क रहो। आज के समय में किसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है तो उन लोगों को तो अक्सर पता चलता ही रहता है कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। और हर जगह जहाँ भी देखो तो स्त्रियों के साथ इतना अपमान होता है, स्त्रियों का इतना शोषण हो रहा है आज के समय में बहुत जगह पर कि क्या ही बताऊँ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को तो सशक्त रहना ही चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है कि जो महिलाएँ हैं वो कभी भी किसी भी गैर पुरुष पर विश्वास ना करें। क्योंकि आपको बता दूं कि उस बिल्डर ने जो उस महिला के साथ करा, दरअसल आपको बता दूं कि वो महिला एक शिक्षिका थी। जो शिक्षिका लाखों लोगों का भविष्य बनाती है, अगर उसी का भविष्य अंधकारमय कर दिया जाए तो कितना दुखद बात है ना। तो आशा करता हूँ कि इस खबर को सुनने के बाद आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा होगा और इन लोगों से हमेशा बिल्कुल दूर रहो जो लोग की समाज में गलत गलत काम करता है। आप लोग हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री महाकाल। और इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।